देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों का अहमद अब्दुल्ला का सलाम। आप देख रहे हैं आई ऑन व्यूज़। जी तो व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पेशावर आर्मी स्टेडियम पहुंच चुका हूं। यहां पे HAC का 4th एडिशन ग्रैंड ऑटो शो है, जो जिसका सिलसिला तकरीबन शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त गाड़ियाँ और गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। अभी तो स्टार्ट है, इंशाल्लाह आगे आगे और भी गाड़ियाँ आएंगी और हम आपको साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। तो चलें जी, जाते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। और अपना जो शो पीक पे पहुंचेगा वो इंशाल्लाह दिन को पहुंचेगा 1-2 बजे के वक्त। अभी तकरीबन 11:30 का वक्त है और 11:30 शो स्टार्ट होना था। हम ज़रा जल्दी पहुंच गए क्योंकि हमने इस्लामाबाद से आना था। मैं आपको दिखाता हूं जी ऑटो शो का एक मुकम्मल जो वेन्यू है जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये वेन्यू है ऑटो शो का, आर्मी स्टेडियम पेशावर। ये इंशाल्लाह जब गाड़ियों का सिलसिला शुरू होगा तो मुकम्मल ये भरा होगा और यहाँ पे पांव रखने की जगह नहीं होगी। बड़ा मज़े का शो है। इनका जो 3rd एडिशन था, जो कि इस्लामाबाद में हुआ था F9 में, वहाँ भी बहुत लोगों ने एंजॉय किया। बड़ा अच्छा शो था, बड़ा कामयाब शो रहा। और अब 4th एडिशन यहाँ पे है, तो इंतज़ार करते हैं गाड़ियों का। फ़िलहाल तो चंद गाड़ियाँ आई हुई हैं, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और जो मशहूर पाकिस्तान की KE-70 है जी, बाबर खान की, सुनने में आ रहा है बाबर खान भी यहाँ पर आ रहे हैं। और भी मियां समी जो है, जो इस्लामाबाद ऑटो शो में मौजूद थे, सब यहां पर मौजूद होंगे, लेकिन टाइम लगेगा आने में। आहिस्ता आहिस्ता सब पहुंच रहे हैं, तो हमारे साथ रहिएगा, आपको अपडेट देते रहेंगे जी। जो इस इवेंट के ऑर्गेनाइज़र हैं और HAC के फाउंडर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। साहब सब क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा सर जी, बताएं आपका माशाल्लाह जो 3rd एडिशन था इस्लामाबाद में, काफ़ी कामयाब रहा, तो 4th के बारे में बताएं कुछ। सर जो है, हमारा उम्मीद तो यही है कि 4th जो है उससे ज़्यादा अच्छा होगा 3rd वाले से। हमारे जो जितने भी शोज, जितने भी एडिशन के हिसाब से चल रहे हैं, वो उसमें हर जो है, हम लोग एक चीज़ नोट करें कि उसमें आवाम बहुत ज़्यादा जो आ रही है, टर्न आउट ज़्यादा है। तो पेशावर की आवाम का भी हम जो अंदाज़ा लगाया हुआ कि आवाम आ रही है, अभी ऐसा टाइमिंग भी स्टार्ट है, आवाम आना स्टार्ट हो रही है, तो इंशाल्लाह 1-2 घंटे के अंदर अंदर ये ग्राउंड फिल हो जाएगा। और पेशावर में ऐसे इवेंट्स बहुत कम हुए हैं, क्या इस बारे में आप कहेंगे? सर हम लोगों ने ये चीज़ सोच के पेशावर में हम आए हैं, ठीक है, कि पेशावर वालों के लिए कुछ एक अच्छी सी एक चीज़ लेके आएँ, अच्छा सा एक इवेंट लेके आएँ, जो ताकि इनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पर ये अपनी गाड़ियों को जो दिखा सके लोगों को, कि मतलब कि पेशावर वाले भी जो किसी से कम नहीं। और जो इवेंट जो डेट चेंज की, क्या इसका इशू आ गया? सर बीच में सबसे बड़ी वजह है वो, एक तो पॉलिटिकल सिचुएशन थी, दूसरी जो है ये दिवाली का एक यहाँ पे एक इवेंट होना था आर्मी वालों की तरफ से सिख कम्युनिटी के लिए, तो हमने अपने सिख ब्रादरी को जो है ना प्रायोरिटी दी है ताकि वो अपने इवेंट भी करवा सके। वो हमने अपना इवेंट 1 दिन पहले करवा चुके हैं। और सुनने में आ रहा है जो मशहूर ज़माना KE-70 है बाबर खान साहब की, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रहे हैं, अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। थैंक यू सर। जी तो यार, ये गाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये गाड़ियाँ आना शुरू हो चुकी हैं जी। ये इसकी मेन एंट्रेंस है, ये आप देख सकते हैं जी। बस अब इधर शुगल मेला जो स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी, ये गाड़ियाँ तकरीबन पहुँच रही हैं ऐसा ऐसा सब यहाँ पे। ये तो व्यूअर, ये आप देख सकते हैं काफी गुस्से में ये गाड़ी नजर आ रही है। ये भी हम आपको एंट्री दिखा रहे हैं जी गाड़ियों की, फिर अंदर चलेंगे जिस तरह गाड़ियां आती जाएंगी, आप अंदर का रिव्यू आपको दिखाएंगे। ये जी एक सुजुकी कल्टस माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रेडी की हुई है। यहाँ पे ज़्यादातर जो है वो करोला के शौकीन है जी, प्यासी करोला ओल्ड स्कूल के बहुत ज़्यादा शौकीन है पेशावर में। मैंने ये देखें जी, ये और
और भी यूट्यूबर हजरात यहाँ पे मौजूद हैं, ये देखिए ये सब इधर जो है यूट्यूबर हैं। ये देखिए ये जी एक जर्मन ब्यूटी, ये कुछ भी ना करे तो ये माशाल्लाह है ही इतनी खूबसूरत। ये आप देख सकते हैं जी, ये स्टॉक नहीं माशाल्लाह बहुत आला गाड़ी है। ये जी कुछ पीक ब्यूटीज, ये जी विंटेज वेस्पास, ये आजकल की जनरेशन है उनको इस बारे में नहीं पता माशाल्लाह बहुत आला। ये पूरा एक स्क्वाड आया है इनका इधर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये चेक करें। आप देख सकते हैं जी एक विंटेज गाड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कंडीशन में, खूबसूरत चीज बहुत है। जी आप देख रहे हैं जी डोमिनेटर्स क्लब भी यहाँ पे पहुंच चुका है। करोलास जी आप देख सकते हैं, पूरा स्क्वाड डोमिनेटर का यहाँ पे आ चुका है। वाह गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ी के बाना तकरीबन कंप्लीट हो जाएंगी। बस हमें तो एक दो स्पॉट का इंतजार है, बाबर खान को मरदान और भी, इसके बाद हम लोग लेके चलेंगे आपको दिखाएंगे। बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं, आप इंजॉय कीजिए साथ साथ। जी ये देखें जी ये एक और जर्मन ब्यूटी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। वाह, और वो हमें दूर नज़र आ रहा है जी, गाड़ी कोई फंस गई है और मेरे ख्याल है गाड़ी को टो करने लगे हैं आप। दिखाते हैं जी आपको वहाँ चल के ज़रा। जी व्यूअर ये देखें जी ये गाड़ी फंस गई है, डेड ड्रॉप का ये बड़ा इशू होता है। अब ये गाड़ी निकालेगी गिफ्टों की ये गाड़ी। गाड़ी निकालने में जश्न मनाया जा रहा है गाड़ियों से। जी ये देखें सिविक ईएफ, इतनी डेड ड्रॉप है कि गाड़ी चलाने में बड़ा मसला होता है इधर। ड्रैग इट नेवर बैग इट। धीरे धीरे से रखवा।
पहले देख सकते हैं अभी गाड़ी लाना कितना प्रॉब्लम है। बिल्कुल डट टॉप कार है ये। सूरत खाना जी गाड़ी का बहुत ज़्यादा बिल्कुल ट्रेंड ड्रॉप आ रहा है। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह सिविक ईजी फीरियो ये किसी व्यक्ति के जी। ये पीछे एक ओल्ड ब्यूटी वॉल्क्सवैगन फॉक्सी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में गाड़ी चेक करें जी। ये फिर गाड़ी एक फंस चुकी थी यहाँ पे होंडा से थी। ये देखिए डट ड्रॉप कार है ये। असर अल्लाह को देख सकते हैं उसे आगे देख रहा हूँ इसको आरामी। ये सरू की जिमनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तैयार हुई है ये गाड़ी। वो से उतार दी। उसके पीछे एक सुजुकी आल्टो और उसके पीछे फिर 4x4। ये आप माशाल्लाह 4x4 चेक कर सकते हैं ट्योटा लैंड क्रूजर माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और साफ सुथरी गाड़ी है। ये केबल को खुलो भाई के अंदर गाड़ियों की आमद का सिलसिला तो ख़त्म नहीं हो रहा माशाल्लाह। बेतहाशा गाड़ियाँ इसमें मॉडिफाइड टोटल डिफरेंट ब्रांड्स की सुजुकी टोयोटा होंडा मर्सिडीज बीएम फॉक्सी वॉक्सवैगन सब गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। 4x4 सेडान्स हैचबैक्स ये भी एक और ग्रुप आपके सामने। देख सकते हैं माशाल्लाह से क्लासी वाकई ही ये क्लासी है। एक सुजुकी कल्टस बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में है। वाह जी तो व्यूअर जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गाड़ियाँ बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में ये गाड़ियाँ। जी जी डोमिनेटर्स क्लब की गाड़ियाँ सारी ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ओल्ड ब्यूटीज बहुत खूबसूरत कंडीशन में। वाह सिविक ईएस
बहुत आला कंडीशन, बहुत आला कलर इसका। जी आपको जी एक वॉक राउंड दिखाते हैं ब्यूटी ओल्ड ब्यूटी टोयोटा करोला, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत इसकी कंडीशन। ये आप इसके जो टेल प्रोफाइल चेक कर सकते हैं और अलॉय रिम इस पर बहुत खूबसूरत लगा रहा है जी, डल गोल्डन कलर। वाह जितनी तारीफ की जाए कम है। अगर व्यूअर्स ये हमें कुछ जर्मन ब्यूटीज नज़र आई हैं और इसमें ओल्ड ब्यूटी भी शामिल है, ये आप देख सकते हैं ये जर्मन, और ये दो बहुत ही खूबसूरत ओल्ड ब्यूटी फर्स्ट इन कंडीशन इनकी। अब मैं अपना माइक उतारूंगा और आपको जस्ट शो दिखाऊंगा, आप एंजॉय कीजिए शो, और शो के एंड पे आपसे फिर मुलाकात होगी। ये आपको दिखाते हैं जी ओल्ड ब्यूटी, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन में ये गाड़ी। जी वॉक्सवैगन फॉक्सी, क्या कमाल चीज़ है ये गाड़ी, बहुत ही खूबसूरत 60s और 70s का मॉडल है ये। जी ये भी एक 82 करोला माशाल्लाह, आप इसके इंटीरियर देखिए, ये इसका स्टीयरिंग व्हील है डिटैचेबल स्टीयरिंग, ये लॉन्ग शॉट गियर नॉब इसका, बहुत ही खूबसूरत कंडीशन। जी आप सीट्स इसकी देख सकते हैं, ये जी 82 करोला, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 82 करोला के बहुत फेमस हैं, बड़ी अच्छी कंडीशन में ये गाड़ी है। ये इकट्ठी इधर 82 करोला ही खड़ी हुई है, और ब्यूटी बिल्कुल बड़ी फेवरेट गाड़ी है। साथ ये देखेंगे ये भी है टेबल करोला। ये जी देखें दोनों की कंडीशन, आप बहुत खूबसूरत कंडीशन में ये गाड़ी है। ब्लू व्हाइट और रेड तीनों ओल्ड ब्यूटीज। एक और ओल्ड ब्यूटी आई है यहाँ पर माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कंडीशन है इस गाड़ी की। जी जी आप गाड़ी देख सकते हैं, ये 82 करोला जी, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे फैन से 82 करोला के लिए भी 82। ड्रीम कल्चर ड्रीम कार, बाबर खान नौ मकान, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह
एक और सैड न्यूज़ है जी, मियां समी जो कि HSC थर्ड एडिशन इस्लामाबाद में मौजूद थे ऑटो शो में, वो यहाँ पे आज नहीं आ पाएंगे क्योंकि लास्ट नाइट उनकी जो वालदा है वो लेकिन अफसोस कि हम आज उन्हें नहीं देख पाएंगे यहाँ ना उनकी गाड़ियाँ। दुआ कर सकते हैं उनकी वालदा के लिए। ये आप देख सकते हैं जी, शो चल रहा है, गाड़ियाँ मौजूद हैं इधर, ये देखेंगे गाड़ियाँ मौजूद आ रही हैं। हम देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से गाड़ी को मॉडिफाई किया गया है। जी बाइकर स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है और रेस्पर भी हमें नजर आए थे, वो आ गए हैं जी मेरे ख्याल है। ये एक बहुत ही यूनिक बाइक माशाल्लाह, ये आप देख सकते हैं। ये जी बहुत ही यूनिक चीज़ है ये माशाल्लाह, इसके ओनर से बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये क्या चीज़ बनाई है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत यूनिक चीज़ है। उसके बाद ये जो आपको मैंने दिखाया है एक व्यक्ति, ये एक IVR बहुत खूबसूरती से ये देख सकते हैं लोग इंजॉय कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, बेशक काफ़ी जदीद है। पेशावर में इस तरह के शो बहुत कम होते हैं और बड़े अच्छे बाद इस तरह का कोई शो बंद है और इस वक्त रश लगा हुआ है जी बाबर खान के पास। कोशिश करेंगे हम भी मिले बाबर खान के ये
यहाँ रिफ्रेशमेंट स्टॉल्स वगैरह भी मौजूद हैं, आप रिफ्रेशमेंट करना चाहें आगे रिफ्रेशमेंट वगैरह देख सकते हैं। ये जी ओल्ड ब्यूटी इज बेस्ट क्लास माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत कंडीशन में ये बेस्ट क्लास है। अरे ये आप देख सकते हैं अभी आपको काफ़ी बड़ा ये स्पॉट है, सुनाई दे रहा है मजीद गाड़ियाँ पहुँच रही हैं। जी तो हम इस लेमोजिन के ऑनर को ढूंढ रहे थे और वो फाइनली हमें मिल गए हैं। भाई क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का ठीक ठाक। सर ये बताएं जी, ये क्या आपने जेन में कहाँ से आइडिया आया आपके? बस हमारे पास स्टॉक वेस्पा काफ़ी ज़्यादा थे, सही हमने कुछ डिफरेंट करते हैं, हमने कैसे लेमो बना लेते हैं। ये तो एक बहुत ही कभी आज तक किसी ने नहीं किया होगा, बहुत यूनिक चीज़ है। सही बाकी उन्हें की हुई है टैंकी है उसे लगाया, हमने कोशिश की कि वेस्पा कैटेगरी में ही वेस्पा बने, तो हमने एज इट इज उसे ओरिजिनली रख के दरमियान से कट करके एक्सटेंड किया। दरमियान से कट करके इसने इतना 4 फुट का पीस ज्यादा की लगाया सही। और ये इसी के जो है हमने रिम्स के साथ जहाँ वो फिल करके साथ ये मजबूती भी, ये एक मजबूती भी और एक यूनिक चीज भी, स्टाइल वगैरह प्यारी लगे ना इसलिए। सही, तो ये आप डेली तो नहीं यूज करते होंगे? हाँ जी, वीकेंड राइड्स पे कभी कभी या कार शोज पे ही निकालते हैं। सही, डेली के लिए हमारे पास बाकी वेस्पास हैं। सही, ये हमारा क्लब है स्लो राइडर्स पेशावर। सही, तो मतलब आप वेस्पास के शौकीन हैं? सारे के सारे वेस्पास के। सही, तो पेशावर से ही हैं आप? पेशावर से। ठीक है सर, थैंक यू। अब चलते हैं 4x4 की तरफ। ये देखें जी आप 4x4, आगे लास्ट पे ऑल ब्यूटी ये जेंगो जी। Thank you.
ये आप बाहर से गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हैं, जिन गाड़ी इसको फ्लोर कर जी। व्यूअर्स आप देख रहे हैं शो, उम्मीद है एंजॉय कर रहे होंगे, बल्कि ज़रूर कर रहे होंगे जी। ये आप गाड़ी जग देख सकते हैं और यहाँ पे न्यूज़ चैनल न्यू न्यूज़ उर्दू पॉइंट हम न्यूज़ वाले यहाँ पे आए हुए हैं। ये मैं आपको गाड़ी का एक दिखाता हूँ जी, ये भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत बहुत ही अलग गाड़ी है ये मज़्डा की। हमारी कोशिश है कि बाबर खान से मिलें और बाबर खान अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे, हमने काफ़ी देखा है, अल्लाह करे नज़र आ जाए। ये आप देख सकते हैं जी, हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां मौजूद हैं जी। सर बाबर बाबर भाई क्या हाल है आप? ठीक ठाक जी, आप सुने हैं? ठीक है, शुक्र। बाबर भी बड़े अच्छे बात नजर आए हैं आपसे, 21 में मुलाकात हुई थी और अब 22 का एंड चल रहा है। यार बस कुछ मसरूफियात हैं और दूसरी गाड़ी भी तैयार नहीं थी तो बस इस वजह से। आप इस्लामाबाद ऑटो शो में भी नहीं आए जो एचएससी का था? हाँ बिल्कुल, मैं आया था लेकिन दूसरी गाड़ी लेकर आया, लेट आया था जी जी, बरगला लेके आया जी जी जी। और बताएं गाड़ी रेडी है अब आपकी? हाँ बस तकरीबन, अभी रिम चेंज करने हैं उसके, थोड़ा बहुत काम है अभी। वो तो ये तो शुभ करते हैं, तो अच्छे महीने बाद इसके। हाँ वो तो है, ठीक है जी। ये बाबर खान पे इंशाल्लाह इनके पास पेशावर मुल्तान पहुँचेंगे और वहाँ पे इनसे एक तफसीली इंटरव्यू इंशाल्लाह। थैंक यू।